निकाली थी। कई पुलिस और एसक्यू की वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। धमाके की शिद्दत के बारे में कहा जा रहा है कि काफी जोरदार धमाका और देखा जा रहा है कि धमाका किस वजह का था। ये घड़ा मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने तकरीबन 3 से 4 फुट गहरा है और तकरीबन 7 फुट चौड़ा घड़ा है। एक रक्षा मेरे सामने मौजूद है जो मुख्तला तौर पर कहा जा सकता है कि वो भी दीवारे की वजह से मुतासर हुआ है। और ये दीवारें जरूरी जो है घरों की वो पूरी तरह मुतासर हुई है। पहले इलाकों में सबसे शदीद मौत का रास्ता आया जा रहा है। 3 गाड़ियां थी, इसके अलावा मोटरसाइकिलें थी, 4 लोग जख्मी हो चुके हुए। इसके अलावा जो आसपास की जो इमारतें थी उनकी इमारतों के और बड़ी सूरत हाल जो है देखने में आ रही है। लोग उधर शदीद परेशान है, रास पैदा हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है कि वो कह रहे हैं धमाका, लेकिन रेस्क्यू की जानब से भी जो कहा जा रहा है कि ये धमाका नहीं है, ये गैस की जो लाइनें हैं उनमें ब्लास्ट हो सकता है, जिसकी वजह से क्योंकि प्रेशर होने की वजह से वो नुकसान हुआ है। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है इसके बारे में जो पुलिस की जो टीमें हैं वो अगर पहुँच रही है, जिस तरह अपोर्ट ये कह रहा है कि वो जब गुजर के जा रही थी थोड़ा सा पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जब नहीं थोड़ा सा आगे कहीं पीछे जोरदार धमाका हुआ और उनके मुताबिक वो धमाका मोटरसाइकिल के अंदर ही हुआ। तो उस हिसाब से जब सतीश का बाद मौके पर पहुंचे क्योंकि यहाँ पर अच्छे करीबी आते की मकान था वो भी काफ़ी जो है वो डैमेज हुए हैं और जो करीबी बाइक और कारें खड़ी थी उनके भी शीशे टूटे हैं। बल्कि धमाके की वेलोसिटी हम कहें तो इतनी ज़्यादा थी कि 500-600 मीटर दूर जो डायरेक्शन में कार शोरूम की बहुत सारी जो शॉप है वहाँ पर भी कुछ कारों के शीशे टूटे हैं और वेलोसिटी की वजह से। तो अभी इमारतों के अंदर भी बहुत ही रखी हुई है। तो अब कुछ लोग ने अभी मेरे बात के तहत जो किया गया है और इसमें मृत्यु जो है वो जख्मी होने की इतलाह हो सकती है।